क्या दिक्कत क्या था? अच्छा नहीं, आजकल इशू आ रहा है, बता देंगे कि केबल में प्रॉब्लम है क्या है, अभी सारा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। तो बता देना केबल चेंज करना, तो केबल चेंज कर दे नेटवर्क का, है ना। चलो ठीक है, फाइनल हो गया ना। स्टार अनबाउंड, बात करता हूँ मैं अभी क्लास में। गंजा से निकालने के चक्कर में लग गया है। टिंकू के? हाँ टिंकू, हाँ पुत्रा जी का क्या नाम था, कैसा नाम था उसका? हाँ बस यहाँ देखने का नाम है बगल, वो उसके साथ वो करेगा जो उसके साथ किया था उसने। उसी बंद की सीओम अलग चीज़ है, ये अलग ये मेरा बंदा, उनको ये पता होना चाहिए, हमें पता है। कंफ्यूज थोड़ा बंदे की है वही ना, उसको पता नहीं है ना, जिस दिन पता चल जाएगा उसको। मैं बता रहा हूँ इसलिए, मैं तो कम दिक्कत कर रहा हूँ। कुछ नहीं करेगा तो शांत रहे, एचआर सेशन करा दूंगा, कोई भी सेशन बाहर बिठा दूंगा, बाहर करा दूंगा उसे। कौन बोल रहा था? इस लड़का छुट्टी भी चला गया सर, उसे वो बाहर करने के चक्कर में लग रहा है। हाँ भाई उसके पापा का प्रॉब्लम है, मैं बता चुका हूँ। सलब जादी सर, सलब जादी है सर, वो हमने जादी लगा दिया सब पे, सभी को बता दिया हमने, नीचे ही बता रखा, बस थोड़ा उसका नाम ही चेंज कराना है चार, बाकी सब करा दिया उसने। सलब क्या सर? अनबाउंड, बी ओ यू एन डी, अनबाउंड। ओके सीपी करके क्या कहेंगे? सीपी करके मैंने जो एग्जैक्ट फाइल था ना, उसी के सेम लोकेशन पे एक मैंने ओरिजिनल नाम से कॉपी कर दिया, डुप्लीकेट कॉपी बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? तो क्या कौन सा फाइल था? एडीसी के अंदर अनबाउंड, अनबाउंड के अंदर अनबाउंड.conf का फाइल था। तो हम लोग देखें ना पहले इसको, फाइल को देख लो ना। तो कौन तो आ गई है, स्पेस है, अनबाउंड डॉट कौन के आ गए स्पेस है सर। हाँ सर इसमें है अनबाउंड कॉम, अनबाउंड डॉट कॉन्फ डॉट किया बेटा,
इसको कहाँ पे कॉपी कर दिए आप सर? ये तो सेम कॉपी कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं सर इसको? इसको कॉपी आप लोकेशन कहाँ दिए हैं? आप तो सेम एज इट इज दिए हैं, फोल्डर नेम तो दिख ही नहीं रहा। वहाँ पे भी तो ओरिजिनल कहाँ लिखा है तुम्हें? ORG कर दिया सर। कुछ भी कर दो यार, बैकअप कर दो, कुछ भी कर दो। ORG के मतलब ओरिजिनल होगा, ORG के मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा। हाँ तो वो ही देखते हैं, मेरे इमेज में कुछ भी इमेज नहीं करते भाई। भीम है CP की CD को डाल। अबे रुक जा यार, सर्च करूं? इंटरफेस होगा ना? इंटरफेस इतना सारा देखा, इंटरफेस 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 सर यहाँ पे तो इंटरफेस बहुत सारा है। इंटरफेस बहुत सारा ये कर लो, अपन कोई सा भी ओपन कर लो। वाला कैसे ओपन करना? डू और जो उसको VI कमांड चलाई थी उसके बाद क्या किया था तुमने? VI तो है उसमें हो रहा था। अब इसमें कोई तो क्या कर रहे हैं, क्या लिखना है? डू लिखना है क्या? नहीं उसका आगे यस करना पड़ेगा, ये जहाँ डू आई पी कोई डू आई पी भी कोई तो वहाँ यस करना। इतना इंटरफेस है तो इसमें तो आई पी भी तो डाला हुआ है। हाँ जी है ना, बताना कौन सा है वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ूँगा,
क्या है आईपीवी डू अंडरस्कोर है क्या है वो अंडरस्कोर का नाम हमारा वो ये 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 नहीं सर बिजी हैं सर इसमें नहीं मिल रहा हूँ वो नहीं इंटरफेस तो खोज लिए थे सर और बहुत सारा डू टीसीपी सारे करने पड़ेंगे ये सारे यस है पहले से तो ऑन कमेंट करते कमेंट होगा ना वो हाँ आईपीवी सिक्स नहीं करना है ना डू यू डी पी है क्या हाँ डी पी है आईपीवी सिक्स कर दिया टीसीपी भी कर दिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल वाला कहाँ पे है सर एक्सेस कंट्रोल अलाउ अच्छा सर एक्सेस कंट्रोल आईपी लिखा हुआ है अलाउ लिखा हुआ है आगे उसमें कौन सा करना है ये वाला एट वाला एट कहाँ लिखा है जीरो जीरो दे रहे हैं जीरो का ना उसका तो अपना दिखा रहा है ना सर ये क्या लिखा है सर एक्सेस कंट्रोल के आगे जीरो 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 डू है क्या अलग नहीं नहीं जीरो 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 है केवल कि क्या है जीरो जीरो प्लस जीरो आ जीरो की जगह पे एट भी हो तो उसे अलाउ कर दो ना एट है उसके पास स्लैश सेट उसके आगे क्या है नहीं जो जो लिखवाया मैंने वही करना तो जीरो 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 अलाउ नहीं है रिफ्यूज है वो नहीं इसमें हाँ जीरो 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 नहीं 127 जीरो 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 हाइफन एट अलाउ इसका एंट्री लिखूं क्या एंट्री करना पड़ेगा
क्या कह रहे हैं, जीरो जीरो क्या कितने जीरो चार हो गया है तो एक दो तीन चार पाँच हाँ पाँच सही है सही है हाँ दिया वैर अनकमेंट करने से वो कमांड काम करना स्टार्ट कर देता तो ये अनकमेंट हो गया अब ये काम नहीं करेगी ना जब ये है? काम करेगी कमेंट करने के बाद काम नहीं करेगी तो ये जितनी हेल्थ लगवा ये कमेंट है फिर कोई काम नहीं कर रही है अभी और इसका हटा दिया हमने हेल्थ से काम करेगी मैंने बना दिया ना दूसरा फोटो खींच के बेहतर हर कॉपी नीचे क्या है रे अलाउ के नीचे कहाँ पर Where log unwound नहीं उससे पहले log file है क्या dot log हाँ तो starting में log file है तो log file को भी कुछ चेंज करना है क्या हमको अरे ऊपर के लिए आ रहा हूँ WDC क्या बना life है कौन सा सर मैंने बहुत सारा चेंज किया हूँ आप देखेंगे एक बार बना दो ना हाँ वाई वाई पी एस आई पी है एआईपी नहीं होता है ना जो होस्ट नेम दिखाता है ना वही सिस्टम का आईपी भी होता है इंटरफेस हो गया मैंने क्या क्या लिखवाया चेंजेस बाकी सब चेंज कर चुके हो कल किया हूँ आप लिखेगा क्या बात है
और ए है सर, ए क्या लिखे है सर, हाइड, हाइड के आगे कुछ नहीं करना है ना, कि हाइड के भी करना है। सर्च नहीं कर सकते हाइड को सर? नहीं मैं देख रहा हूँ तुमने चेंज कहाँ कहाँ किया है, हाइड वाला नहीं किया। तो गाय खा जाएगी ना ये वाला? हाँ ये खा जाएगी। यस है ना उसमें? यस है। आइडेंटिटी में भी और क्या है? और डोमेन इनसिक्योर लिखा हुआ है। इनसिक्योर सिक्योर। क्लास में हूँ बोलो। फॉरवर्ड क्या लिखा है हमने? जोन फॉरवर्ड हाइफन जोन। अच्छा पूर्व जोन में है आप फॉरवर्ड हाइफन AWR और नेम के आगे क्या कर रहे हैं सर? हाइफन किसे लगेगा? हाइफन हाइफन दे रहा हूँ सर मैं। जोन AWR है सर, क्या करना है सर? सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं सर, अब क्या लिखना है सर? नेम किसका? नहीं नहीं फॉरवर्ड एड्रेस लिखा है ना सीधा, यहाँ लिखा है फॉरवर्ड AWR। हाँ हाँ जोन नहीं था, जोनपुर में है नहीं फॉरवर्ड जोन है। फॉरवर्ड हाइफन जोन कर दो यार, सुधार लो सुधार लो। डबल कोट्स लगाए हैं, डबल कोट्स वाले लिख लो इसके नीचे में जो भी बोल फॉरवर्ड नेम क्या लिखो सर इसमें? कुछ नहीं डॉट लिख दिया ना मैंने ब्रैकेट में डाल के, बस उसके नीचे लिखो इंटर फिर टाइप मारो यहाँ पे लिखो फॉरवर्ड हाइफन AWR हाइफन AWR कलर स्पेस 8.8.8.8 चलिए फॉरवर्ड हाइफन AWR। अमरनाथ का लिखवा दिया, अमरनाथ का फॉरवर्ड
हो गया हाँ सेव कर दो सेव कर दो बैठे तुम्हारे अनबाउंड अच्छा एन छूट गया ना हाँ और देख लेना इधर ठीक है ना क्या दिया एरर दिया है कुछ नेम में दिया है सर अननोन स्टे क्या क्या करके दे दिया फोर एरर्स 843 नंबर लाइन पे खोलो SENU अच्छा अच्छा हाँ SENU 843 नंबर लाइन पे जा पेज डाउन करो ना पेज डाउन पता नहीं कौन सा ये वाला नहीं लिख रहा है पेज डाउन नहीं सर फॉरवर्ड एड्रेस 8888 जो हम लोग किए हैं सही पर एक दो तीन चार यही चारों एरर है सर स्पेलिंग मिला ना फॉरवर्ड हाइफन जोन ठीक है सर कॉलन सेमी कॉलन हाँ नीचे नेम सेमी कॉलन हाँ स्पेस नेम का क्या सर हाँ नहीं स्पेस नहीं यहाँ स्पेस है ठीक है हाँ फिर स्पेस नेम डबल ऑफिस मतलब डबल कोड फिर नीचे डॉट फिर डबल कोड डबल कोड के अंदर में डॉट हाँ डॉट हाँ फिर फॉरवर्ड एड्रेस एडब्लिया कॉलन कॉलन के बाद स्पेस है हाँ ठीक है सर चलो सेव करो चलो अभी भी वही एरर 843 बता रहा है वही
समझ गए। कोई की फाइल भी ऑन किया हो क्या तू? नहीं। क्या दे रहा है ये? कौन सा की बोल रहा है? Fatal error. Server hyphen key hyphen file. मेरे में है, तुम्हारे में क्यों नहीं है? देख रहे हो? निकल जाओ। क्या आराम नहीं हुआ अभी? तो यहाँ पे सेम ही है सर। मेरा फाइल है बड़े इतने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हो कि वहाँ डॉक्टर भी ना मिले। नहीं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर वहीं पर रहते हैं, पर वो बैठने का टाइम उसका 9:30 बजे का है। वो इमरजेंसी में बुलाओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, 7-7 रुपये देते हैं। बट उसका बैठना टाइम वही है 9:30 बजे। दोबारा सर बोतल बंद कर दीजिए 2 बजे के बाद, डिप चलाएंगे रात को। रात को 2 बजे तक ठीक चले, उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा, सुबह तक वो ठीक रहे, सुबह से फिर 2:10 बजे दोबारा स्टार्ट कर देते। तुम्हारे में की क्यों नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रहा सर? हाँ
जैसे मेरे में देख रहा हूँ ना की पड़ा है ये तो हरे में नहीं है, पंप ऑन की आए नहीं है। इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या स्टार के साथ करके देखेंगे। बग है क्या ये साला? कहाँ अमेजोन के पैकेज से लिए हो ना जी? ये भी चल रहा तुम्हारा? नेट नहीं चल रहा क्या? इसमें पता नहीं चलता है। क्या हुआ बताओ? क्या हो गया भाई? क्या किराए के लिए चाहिए क्या? चेंज तो 500 का नहीं है, ऐसे कुछ छूटे खुले इसके लिए चाहिए तो बताओ। किसके लिए? ऑटो ऑटो के लिए? तुम स्कूटी लेके आओगे ना? क्या स्कूटी क्या कर दी है? इधर से जाना था ना इसको। अच्छा चल वहाँ निकल जाओ। इस जो वर्जन बता रहा है ना, ये वर्जन लग रहा है कुछ इशू है, समझ गया, इसीलिए वो आया नहीं। अब इसमें देखते हैं। कौन सा वर्जन बता रहा था ये? 1.2.1 है ना? सिक्स
तो है, तो 1.2 में था, 1.2 में इसने फिक्स कर दिया था, ठीक है, पहले इशू था ये। मैं पूरा पकड़ लिया नहीं, कौन है यार ये, मेरे में तो आ गया था। DNS सेक इसको रुक दीजिए सर, काम आएंगे। कमांड लीक चलाने से पहले ना वो करना पड़ेगा, ये तो हो गया ना सर, अब चलाएं कैसे? अब चलाओ अनबंड वाला, नो रूट आ रहा है ना सही सही हवा, इसको इससे बाहर आ जाऊं, ठीक करो बाहर आ जा रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सर ये तो एरर दिखा रहा है ना, नो एरर है ना, हाँ। तो हमने इसमें किए क्या सर, इसमें मतलब मजा नहीं आया थोड़ा, इतना मेहनत करने के बाद नो एरर दिखा रहा है मतलब कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा सही है। अच्छा माने इसको यूजेस कैसे करा जाएगा सर, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ तो हमें बता रहे ना। अच्छा कर दिया सर, ऐड हो गया, मैंने परमानेंट पहले दे दिया, कोई दिक्कत? तुम्हारे पास दूसरा मशीन भी है क्या वहाँ पे? AWS एक ही है सर, क्या कोई जरूरत है? इसमें नहीं डर सकता ए वर्चुअल बॉक्स में, वर्चुअल बॉक्स में नहीं दिखाएगा सर? क्या ये आप तुम क्या करोगे, ये काम करना है सर्वर, ठीक है ना? हाँ ये काम करना है सर्वर, आप क्या काम करोगे सर, इतना करने के बाद बता रहे हैं आप, इतना काम करने के बाद आप जाओगे क्लाइंट मशीन पे, ठीक है ना, ये सर्वर हो गया, आप तुम जाओगे क्लाइंट मशीन पे, तुम्हारे लिए क्लाइंट मान के चलो वही है, ठीक है, सर्वर ही क्लाइंट है, तो वहाँ पे तुम इस फाइल को खोलोगे VIM। अच्छा एक दूसरे इस पे कर सकते हैं सर, दूसरे अमेजोन पे कर सकते हैं सर, DSN जो हम ऐड किए हैं ये नहीं दिखा रहा है, कहाँ दिखाएगा ये? कहाँ पे? मैंने इसके ये फायरवॉल डी हाइफन लिस्ट ऑल करके देखा, नहीं दिखा रहा। सेव करो, सेव तो करो, रीलोड। अच्छा रीलोड, आप
फाइव डॉट जो भी जी सर्वर पे चेंजेस किए थे तुमने। अच्छा हाँ, उसका आईपी जो अभी जो ऊपर वाला आईपी डाले थे आप सर। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ हाँ आ गया सर। तो अब क्या करेगा तुम्हारा? तो एक हो गया, दूसरा क्या सर्वर, और ये तुम्हारा अपने लोकल एनवायरनमेंट में एक DNS कैचे जरूर बनाए, ठीक है। वो DNS कैचे सर्वर क्या करेगा कि क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, पहले जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम, फिर ये क्या करेगा क्वेरी करके लाएगा यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ यहाँ से ये डायरी इसका है, अब तुम क्या करोगे इसी पे या दूसरा खोलो? दूसरा बनाना पड़ेगा ना, तो है तो अपने पास दो मशीन, फिर फायदा क्या होगा AWS में जब जाओगे लेने के लिए? अब तुम जाओगे जैसे यहाँ पे etc.djual.com पे, ठीक है। अभी देखो अपना इसका DNS सर्वर है, नेम सर्वर है, ठीक है। फिलहाल इसको कर दो, तुम कमेंट कर दो। ये हम लोग डाले थे क्या? नहीं, सिस्टम के साथ ही मिलता है। देखो अभी मैंने किया india.com को रिजॉल्व करने में टाइम कितना आया, क्यूरी टाइम कितना आया? 49 मिली सेकेंड। अब मैं दोबारा करूँगा कितना आया? एक बार कैसे में आ गया? एक बार जब किया जिसको जो लगना चाहिए एक्चुअल टाइम वही लगा, लेकिन अब दोबारा गया तो दोबारा वो उसके सर्वर तक नहीं गया, वो इसके ही कैसे में से वो पिक कर लिया। वो आपने अभी रन क्या कराया था सर? ये चेक करने के लिए एक कमांड है कि india.com को जाओ, किसके थ्रू जाओगे? किस होस्ट के थ्रू जाओगे? तो इसको चाहो तो तुम हटा दो, सिंपल india.com कर लो। 0 मिलीसेकंड आ रहा है ना, कुछ भी कर लो। ये क्या है? DI कमांड है, DIR अभी लिखवाया नहीं मैंने। अब जैसे yahoo.com कर लो, 23 मिलीसेकंड आया ना क्यूरी टाइम, दोबारा खोलेंगे तो कम जाएगा, 0 आ गया। ये तो ये समझ गया, सारा समझा भी दिए इसको हम लोग। अगर एज आप कैसे यूज करोगे? हाँ। देखो आप तो अपने ऑफिस में agent.bkcorporation.com खोलते हो, तभी क्या है कि हम जब भी तुम रिफ्रेश करते हो चाहे कुछ भी लिंक खोलते हो तो वापस जाता होगा तुम्हारे सिस्टम से डैन के यहाँ जाता है, डैन के बाद से हमारे AWS पे जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि बीच में से हम डैन को हटा देना चाह रहे हैं। अच्छा, डैन हमारा DNS मैनेज करता है। अच्छा। तो तुम जब ब्राउज करोगे तो हमने एक लोकल में कैशिंग सर्वर बना दिया, एक बार वो डैन से फेच करके कैसे में रख लिया। अब जब भी तुम ब्राउज करोगे तो हमारे लोकल से ही फेच होके आएगा, इससे रिक्वेस्ट तुम्हारा फास्ट नहीं होगा। तुम्हारे एक लोकल में सर्वर रखा है, AWS में काम करते हो,
स्लोप होगा ना दो. तो बहुत फर्क पड़ गया ना, कितना समय का फर्क पड़ गया देखो. तो इसके कैसे में आ गया, अगर एज ए प्रोजेक्ट लेवल अगर हम मेरे से प्रैक्टिस हाथ कितने कैसे हैं तुम्हारे पास, तो हम लोग को तो कमेंट करना, ये वीडियो बन जाएगा तो हमारे सामने कितनी कैसे बनाए गए डॉट. ये जो हमारा कैसे होगा तुम्हारे आई पी के साथ होगा डेट वाइज तो दिखाई नहीं रहा, कैसे पहचानोगे जी अपना है आईपी से. आईपी से हो सकता है और क्या है, चलते हैं चाण घंट बेचारा स्कोर जो कंट्रोल क्या सर, अनबाउंड हाइफन कंट्रोल स्पेस प्लस अंडरस्कोर जोन स्पेस अंडरस्कोर जोन स्पेस अंडरस्कोर डाल रहा हूँ. हाँ ठीक है. हाँ स्पेस एग्जांपल डॉट कॉम जो भी तुम्हारा डोमेन नेम डाल रखते हो, जो भी तुम्हारा किसी डोमेन को पूरे जोन को वो करना है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर जो डाला है वही. हाँ कर दो तो फिर से डालना पड़ेगा. अच्छा ये तो ओके, इस कैसी से हटा रहा है ना, कैसे से हटा रहा है ना वहाँ तो वही है एग्जांपल का था ही नहीं, याहू डॉट कॉम करना था, याहू डॉट कॉम है सर, हम लोग तो एग्जांपल ही रखे थे. नहीं जरूरी नहीं क्यों क्या रखे हो, जो तुमने ब्राउज किया है ना उसकी हम बात कर रहे हैं, जो तुमने लुकअप किया था ड्रिल कमांड से. ड्रिल कमांड को अरे लिख लीजिए, आपको लिखवा किया था तो आप लिख लीजिए, लिखवाते हैं अभी वो रिजल्ट सब फ्लश हो गया. अच्छा फ्लश कर दिया था तुमने पहले ही ना याहू डॉट कॉम को, ये करना है इंडिया डॉट कॉम को. अच्छा हाँ चलाए नहीं थे क्या, नो एंट्रीज. गूगल डॉट कॉम करना कैसे है नहीं पर डम पड़ने को कैसे करना था नहीं आ रहा था. डम पंडस को कैसे करना, अनबाउंड हाइफन कंट्रोल डम पंडस को कैसे पूरा मिटाना है इसको, थोड़ा हटा दो डम पंडस को कैसे CHACCACACHAN ये पता नहीं इतना डोमेन कहाँ से ला दिया.
वही डी हाइफ़न टी एमएक्स एमएक्स इसमें भी बताया गया सर, ये क्या बता रहा सर, ये तो कुछ अलग ही बता रहा है ना, मेल एक्सचेंजर में डिफरेंट टाइप से होता है। याहू डॉट कॉम हो गया 60 इन प्रायोरिटी है 1 2 3 1 1 करके है, इसका फिर एड्रेस है। मेल एक्सचेंजर में क्या है ना, मेल एक्सचेंजर में प्रायोरिटी होता है 10 20, फर्स्ट प्रायोरिटी ढूंढेगा जो हमारा कम वैल्यू होगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ढूंढेगा। इसमें क्या है कि सब में 1 1 है, ये सब बराबर का हकदार है। मेल इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। कभी कभी हम एमएक्स रिपोर्ट के लिए क्या करते हैं, मेल सर्वर के लिए डिजिटल वाला लिख दिया, हिंदी में उसके सामने लिख दिया। मतलब एमएक्स रिपोर्ट ये होता है कि अगर फर्स्ट ये होता है पेनल्टी, ये होता पेनल्टी, पहले ढूंढेगा कम पेनल्टी वाले को, ठीक है, मेल भेजने के लिए। अगर ये इनकेस अनअवेलेबल होता है तो फिर ये प्रायोरिटी सेकंड वाले को जाती है डीएनएस सर्वर में। डीएनएस सर्वर में मेल के लिए 2 प्रायोरिटी सेट किया जाता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है, प्रायोरिटी बेसिस पे भेजता है। हाँ, जैसे अभी गूगल को मैंने देखा सर, तो 10 50 40 30 ऐसे आया ना। सबसे पहले वो 10 को ढूंढेगा, फिर 20 को ढूंढेगा, फिर 30 को, फिर 40 को, 50 को। सर ये ड्रिल का अगर मैं लिखना चाहूँ डेफिनेशन में तो क्या लिखूंगा, इस कमांड के द्वारा क्या होता है? ड्रिल लुकअप डीएनएस वाया दिस डीएनएस सर्वर। हाँ, ड्रिल कर रहे हो, लुकअप कर रहे हो किसी एड्रेस को, लेकिन वाया किसके थ्रू? उसके थ्रू, डीएनएस आईपी एड्रेस, दूसरे डीएनएस के थ्रू। ये वो कर रहा है जो तुम्हारे डीटीसी रिजॉल्व डॉट कॉम में है, ये इसको बिना डीटीसी रिजॉल्व डॉट कॉम में एंट्री ये दो चला रहे हो, चला कर रहे हो। चलो भाई लोग।